हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा वीडियो क्या है। आज मैं कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो रिक्रिएट करने वाली हूँ। मतलब अभी मैंने बहुत इजी सी फ़ोटोज़ सेलेक्ट की है, क्योंकि अभी मैं पता कुछ ज़्यादा क्या पता मैं नहीं कर पाऊँ, पर अभी ट्राई कर रही। तो सबसे पहले मैंने एक ये फ़ोटो सेलेक्ट की है श्रद्धा कपूर की। ईजी सी है, सिंपल सी है, स्माइल करके पोज मारना है। तो अब इसी के जैसे बनने के लिए सबसे पहले मुझे इसी के जैसे कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। तो जाती हूँ सबसे पहले, वो ढूंढती हूँ कुछ मुझे मिल जाए क्या पता। ओके, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये आउट ये पापा का कोट ढूंढा और इसको बड़ी मुश्किल से लगाया, साइड में बैग लगाया इस फोटो की तरह। मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं हो पा रहा, पर जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। अभी बाल बनाती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ उसमें उसने कैसा मेकअप किया। मेकअप तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसमें कैसा किया है। एक तो उसने आई शेडोज वगैरह तो अच्छे से लगा रखा है, कौन लगाएगा अपने मेरे इतने अच्छे से। आई शेडो तो छोड़ो, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, आँखें अपने आप रहती ऐसी। कौन सा इतने ध्यान से कुछ दिखेगा। आई थिंक आई एम रेडी। मैंने बालों में कंघी भी नहीं लगाई, बस अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें। उसके बाल इतने अच्छे नेचुरल ऐसे मैच्ड अप है, पर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो बहुत थक गई, बहुत मेहनत लगी है फोटो खींचते हुए। मैंने आज तक इतनी मेहनत अपनी किसी YouTube वीडियो के लिए नहीं करी होगी जितनी इसके लिए करी। मतलब कितनी बार भी खींच लो, कितनी बार भी टेक ले लो, मतलब हर बार कुछ ना कुछ गंदी दिख रही हूँ। मतलब तुमको इतनी इनसिक्योरिटी फील होगी ना जब तुम ये वाला मतलब सेलेब्रिटी की फोटो कॉपी करने की कोशिश करोगे, तो हर फोटो में कहीं पर तुम्हारा फेस कहीं से कैसा दिख रहा है, कहीं से कैसा दिख रहा है, और वो जो फोटो है सेलिब्रिटी की वो तो परफेक्ट है। बहुत थक गई हूँ, तो बहुत मेहनत के बाद एग्जैक्ट मैं सेम तो नहीं बना पाई। तो ये है ओरिजिनल फोटो और ये है जो मैंने बनाई है। बहुत बहुत मुश्किल था बनाना, जैसी भी बनी बहुत मेहनत लगी। पर तो चलते हैं दूसरी सेलिब्रिटी की फ़ोटो की तरफ जो मैं अभी रिक्रिएट करूँगी वापस से। इतनी मेहनत इस बार मैं कुछ इजी से सिलेक्ट कर लेती हूँ कि ज़्यादा मेहनत ना लगे, पर इजी भी कॉपी करना बहुत मुश्किल है। जो सेकंड फ़ोटो है वो है ये दिशा पटानी की। बहुत सिंपल सी फ़ोटो है, मैं आई होप मैं इसको रिक्रिएट कर लूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सी है। पर मेरे पास अभी ऐसा कोई वाइट टॉप भी नहीं है जो कि बहुत कॉमन है, जो कि मेरे पास होगा देहरादून में पक्का, पर अभी घर पर मेरे पास ये नहीं है। तो देखती हूँ कुछ एडजस्टमेंट करके, मुझे इसके लिए अपने बाल स्ट्रेट करने पड़ेंगे तो उसमें मेहनत लगेगी। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, पसीना वसीना। चलो मैं कुछ ऐसा ढूंढती हूँ और ऐसा मेकअप हल्का सा, शायद रेड लिपस्टिक लगाई है उसने, वो लगाती हूँ और बाल स्ट्रेट करती हूँ और फिर से लग जाती हूँ मेहनत में। मैंने बाल स्ट्रेट कर लिए, सिर्फ आगे से पीछे ज़्यादा भी रहती है जैसे थे, थोड़ा सा आगे के बाल दिखते हैं। इतनी मेहनत कौन करे, इतनी गर्मी लग रही है बाल स्ट्रेट करने में और गर्मी लग रही है। और इसमें दिशा ने रेड लिपस्टिक लगाई है तो मैंने भी लगा लिया। अब इसी के जैसा कुछ एक टॉप पहनती हूँ और ये फोटो तो शायद मैं खुद खींच लूँगी इसके से, फ़ोन रख के सेल्फी टाइप का जाती हूँ और ट्राई करती हूँ, ये भी देखते हैं कैसा रिजल्ट होता है। तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये वाला लुक भी क्रिएट कर दिया है, बना दिया मैंने। मतलब बहुत कोशिश करके मैं मतलब सच्ची पता इतना बुरा लगने लगता है, लगता है कि मैं इतनी गंदी दिखती हूँ कि मतलब जब अपनी फ़ोटो और उसकी फ़ोटो सेम एक साथ देखो तो ऐसा लगता है यार मैं मतलब उससे कंपेयर करने लगता है कि वो ऐसी दिखती है तो मैं ऐसी नहीं दिख रही हूँ इसमें ऐसा। तो जो भी है, मैंने बहुत मेहनत बड़ी मुश्किल बड़े जुगाड़ के बाद ये फ़ोटो बना ली। तो ये है जो ओरिजिनल फ़ोटो है और ये है जो मैंने क्रिएट की है। हाँ, उतनी परफेक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत मतलब बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि उसका फोरहेड छोटा है, मेरा फोरहेड बड़ा है। मेरा फोरहेड बड़ा है तो फिर वो सभी फ़ोटो में वही एक अलग चीज़ दिखती है। तो अब चलते हैं दूसरे लुक की तरफ। दो बना दिए, मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर आगे बढ़ने का, पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाल के रखी है तो सोचा था जो बनाने का उसे बना ही लेती हूँ। तो थर्ड लुक मैं कृति सैनन का रिक्रिएट करने वाली हूँ। ये है ओरिजिनल फ़ोटो जिसको मैं रिक्रिएट करने का ट्राई करूँगी।
बहुत मेहनत लग रही है यार, एक लुक रिक्रिएट करने में बहुत मेहनत लग रही है। ये लुक मैंने इसलिए अभी चुना क्योंकि अभी मैं आराम से इसे सेल्फी में आराम से बैठ के कर लूँगी। तो यार मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं आजकल, और सारी सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो छोटे छोटे बालों में हो रही है। ओपो, मुझे इसके लिए लिपस्टिक भी चेंज करनी पड़ेगी। एक ही लिपस्टिक पे सारा काम हो जाता तो सही रहता ना, ज़्यादा उतना चेंज नहीं करना पड़ता है। तो ठीक है, मैं इस लुक को रिक्रिएट करने के लिए ढूंढती हूँ सारी चीज़ें, कपड़े और मेकअप मैच करती हूँ और लग जाती हूँ फिर से मेहनत में। तो ये जो थर्ड लुक है इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। जैसे ये बैठी हुई है ऐसी कुछ पोज करना। अभी मैंने एक ये येलो टी शर्ट ढूंढ ली है जैसी उसने पहन रखी है कृति सैनन ने, और देखा मैंने उसे लाइनर लगा रखा था तो मैंने फिर से लाइनर लगा दिया। सबसे फर्स्ट के लिए मैंने लाइनर लगाया, फिर मिटाया, अभी सेकंड में नहीं लगाना था, फिर अभी थर्ड के लिए फिर लगाना पड़ा, पूरा फेस खराब हो गया। फिर मेकअप करने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो उसमें कुछ जैसे लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी, तो मैं भी एक लिपस्टिक ले आई हूँ, मैं भी इसको लगा लेती हूँ। मैंने ये लिपस्टिक लगा लिया, आई थिंक आई एम रेडी। अब मुझे से ज़्यादा मेरे अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं, पता। अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैंने अभी तक सिर्फ दो फोटो रिक्रिएट की, मतलब सिर्फ दो फोटो, और ऐसा लग रहा है मैंने कितनी मेहनत कर ली, और अब ये सिर्फ थर्ड है। तो अब इसके बाद एक और करूँगी और उसके बाद करने की कोशिश करूँगी। चलो मिलते हैं अब जब मैं फोटो शूट कर लूँगी उसके बाद। थक गई हूँ, थक के लेट गई हूँ, मुझसे ये हो ही नहीं रही है। उसमें कृति सैनन इतनी सुंदर लग रही है, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दे रही है, और मैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही, तो मतलब अब उसकी फ़ोटो से खुद की फ़ोटो कंपेयर करूँगी तो ऐसे गंदी तो लगूँगी। उसने अच्छे किसी के कैमरा मैन, अच्छी लाइटिंग, अच्छे मेकअप के साथ फ़ोटोज़ खिंचाई होगी, और मैं घर में से गंदी सी बन के खींच रही हूँ तो अच्छी थोड़ी ना आएगी। मतलब पर बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो अब जैसी भी आती है, जैसी से जो सबसे क्लोजेस्ट वन जो ऐसी दिखेगी वो मैं दिखा दूंगी आपको। मतलब दिखने में इतनी इजी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कितनी आसानी से हो जाएगा, पर नहीं, एक्सप्रेशंस बनाना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे खुद बहुत हंसी आ रही है अपना ये वाला लुक देख के, आप भी हंसोगे। मतलब नहीं हो पा रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी, नहीं हो पा रहा था, तो अब हंस निकले, तैयार हो जाओ। तो ये है जो ओरिजिनल फोटो है कृति सैनन की, और जो ये है ये मैंने क्रिएट किया। बस अब मैं नहीं दिखाऊंगी इसको इतना ज़्यादा, मतलब वो मुझे पता है बहुत बुरी दिख रही है, पर कोई नहीं, मतलब नहीं हो पा रहा था। जैसी भी थी मैंने ट्राई करी, फिर मुझे रिग्रेट होने लगे था कि क्यों मैंने ये फोटो सिलेक्ट करी। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था ईजी होगी, ऐसे ऐसे करके पोज मार के हो जाएगी आराम से, पर नहीं हो पा रहा था यार। बहुत मेहनत लगी, बहुत बहुत देर भी लगी, एक घंटा दो घंटा हो गया होगा। तो एक और फोटो है मेरे पास अभी सेलिब्रिटी की, जो मैं सोच रही हूँ रिक्रिएट कर ही लेती हूँ, अब मैंने इतनी सारी मेहनत कर ही लिया तो एक बार और कर लेती हूँ। तो ये है दिशा पटानी की फ़ोटो, मैं ये रिक्रिएट करने वाली हूँ अभी। ये तो अब दिखने में ये भी ईजी लग रही है, पर मुझे पता नहीं है कि कितनी ईजी होगी कितनी नहीं, क्योंकि इससे पहले वाली फ़ोटो भी मुझे बहुत ईजी लग रही थी, पर ईजी नहीं थी बिल्कुल भी, मैं मैच नहीं कर पाई। ये भी मैं मैच कर नहीं पाऊँगी, फेस तो मैं सेम लग नहीं पाऊँगी, पर शायद मैं आउटफिट इसका मैच कर पाऊँ। चलो एक वाइट टी शर्ट ढूंढती हूँ, मेरे पास पता नहीं होगी कि नहीं, नहीं तो मैं अपने भाई से बोलती हूँ, मैं भाई कपड़े छोड़ने बहुत मज़ा आता है, और ऐसी हाई वेस्ट जीन्स मिल जाएगी मुझे आराम से। तो चलो ऐसे ही मैं अब नेक्स्ट लुक की तरफ चलती हूँ। मैंने कपड़े पहन लिए दिशा पटानी की तरह जैसे मुझे मिले। ये टी शर्ट भी मेरे भाई की है, उसमें भी कुछ बना था तो वो मैं छुपा चुकी हूँ, और अभी पोस्ट करूँगी दिशा की तरह। तो अभी तो इसमें तो दिख रहा है मुझे दिशा पटानी ने हाथ में कुछ पहन रखे है, शायद ब्रेसलेट और वॉचेस टाइप की कुछ है, पर मेरे पास वॉचेस है, मैं वॉचेस पहन लूँगी। और सबसे डिफ़िकल्ट काम अभी मुझे बाल बनाने में टाइम भी लग जाएगा और बहुत तकलीफ भी होगी। अब बाल बनाती हूँ फिर मिलते हैं। वैसे तो मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, मैंने बाल भी बना लिए हैं, टी शर्ट भी है, जीन्स भी पहनी है, पर अब मैं शूट करने का नहीं सोच रही क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग भी सही नहीं है यार, फ़ोटो खींचने में भी थोड़ी मेहनत लगेगी, अभी अच्छी फ़ोटो भी नहीं आएगी। तो अब सोच रही हूँ कल ही कर लूँ शूट, क्योंकि ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसको, अभी बस एक वाइट टी शर्ट और जीन्स ही तो पहनी है, मैं कल भी पहन के फिर जल्दी से फ़ोटो खींच लूँगी।
तो अब इसके बाद जो दूसरी क्लिप दिखेगी वो होगी कल की, तो उसमें मिलते हैं। आज दूसरा दिन है जिस दिन रिकॉर्ड किया था उसका अगला दिन, उस दिन कल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं थक गई थी, रात हो गई थी और लाइटिंग भी उतनी सही नहीं थी रात में, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने मेकअप कर लिया है उस फ़ोटो को रिक्रिएट करने के लिए, तो अभी बस बाल बनाती हूँ और कपड़े पहनती हूँ, फिर फ़ोटोज़ खींचती हूँ, सेम कोशिश करती हूँ सेम करने की। बाल बना लिया मैंने जैसे तैसे, आज बड़ा मुश्किल हुआ बनाना, कल बड़ी जल्दी बन गए थे। अब बस कपड़े पहनती हूँ। अच्छे से मैंने मेरे हाथ में उसने पता नहीं क्या क्या पहन रखा था, तो मैंने दो तीन वॉचेस पहन ली मैच करने के लिए। तो अभी हमने भाई को बुलाया, वो अब ऐसी फोटो खींचने का ट्राई करेगा। तो ये दिशा पटानी वाला भी लुक मैंने रिक्रिएट कर लिया है, बहुत मेहनत लगी, बहुत पसीना, बहुत गर्मी, और मैंने अब बाल भी खोल दिए, बहुत सर दर्द हो गई थी ऐसे सर पे बनाए बनाए। तो ये है जो ओरिजिनल पिक है और ये जो मैंने रिक्रिएट किया है। हाँ कि परफेक्ट नहीं बनी, पर जितना भी मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। बहुत मेहनत लगी, सारी फ़ोटोज़ में बहुत मेहनत लगी, कोई भी लुक इतना परफेक्ट नहीं बना। मतलब मुझे इतना भी नहीं लगा था मैं इतना मैच कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत पहले भी ऐसे ट्राई किया था सब करने के, पर नहीं हुआ था। ये वाले मैंने इतने कर लिए, तो जैसे भी हुए हंसी भी आई देख के कि वो इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं ऐसी लगी थी। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा वाला सबसे अच्छा लगा आपको, कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लगा, नहीं तो मतलब बिल्कुल सेम तो किसी के भी नहीं थे, जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लगा होगा वो कॉमेंट करके बताना। और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।